नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बघेल में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त देवपाल बघेल। दरअसल आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे फेसबुक मैसेंजर पर आप बहुत से फीचर जो हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, बहुत से फीचरों का लाभ उठा सकते हैं, जैसा कि आप लोग चेस खेल सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। बातें तो करते ही थे, लेकिन अब आप चेस भी खेल सकते हैं, और अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो गेम खेल सकते हैं उसके अंदर। और भी बहुत से ऐसे फीचर हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमसे कहा कि सर प्लीज़ हमें फेसबुक मैसेंजर के बारे में पूरी डिटेल्स में बताइए, उसमें कुछ न्यू फीचर आए हैं उसके बारे में हमें अभी पता नहीं है, थोड़ा बहुत पता है, वो कैसे यूज़ करना है ये सब आप हमें बताइए। तो मैंने कहा चलिए फिर क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाए, तो मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरीके से आप लोग फेसबुक मैसेंजर के फीचर की सारी डिटेल्स में आज की वीडियो में बता दूंगा, एक से बढ़कर एक फीचर जो हैं सारी डिटेल्स में आपको बता दूंगा। तो वीडियो टॉपिक शुरू करने से पहले एक गुजारिश है आप लोगों से, अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ मैं आपके लिए ऐसी यूज़फुल ट्रिक लेकर आता रहता हूँ, और हमने 130 से ऊपर वीडियो जो है अपनी बना दी है। आप चाहें तो देख सकते हैं हमारे चैनल में आकर कि हमने एक से बढ़कर एक ट्रिक आपके सामने बना रखी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विजिट करें। शुरू करते हैं फिर अपना टॉपिक। तो आपको जाना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में आपको मैसेंजर सर्च करना है और आपको मैसेंजर जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से नज़र आता है, जहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी से मैसेंजर पर अकाउंट है फेसबुक पर, तो आप लोग इजीली तरीके से यहाँ पर ओके करके और यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट यूज़र हैं जो, तो अगर आपको पता नहीं है कि कैसे अकाउंट बनाया जाता है फेसबुक पर, अगर आपने बनाया ही नहीं है, तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करके आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर आपको देना पड़ेगा और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा और OTP नंबर आएगा, तो आप लोग बना सकते हैं। तो लेकिन अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी से अकाउंट है तो चलिए इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है हम लोग डाल देते हैं। लॉगिन कर देना है और उसके बाद आपका जो फेसबुक मैसेंजर अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हमें टर्न ऑन कर देना है। और मोबाइल नंबर, अगर आप लोग चाहते हैं कि अपना मोबाइल नंबर मैसेंजर पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे नोट नाउ कर सकते हैं और उसके बाद स्किप कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फेसबुक मैसेंजर की मैसेज के साथ साथ आपके जो पर्सनल मैसेज हैं वो भी इसमें शो हों, तो ओके कर सकते हैं, नहीं तो नोट नाउ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपके जो है मैसेंजर के ही मैसेज आपको शो होंगे, तो ये मैसेंजर के मैसेज हमारे पास शो हो रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो न्यू फीचर है उसमें क्या है कि जैसे हम ये हैं एक, जैसे चलिए कोई, अब ये हैं प्रिया कुमारी जी, है ना। तो अगर आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि हम अपने फ्रेंड को दिखाना नहीं चाहते कि क्या नाम है, तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको प्रिया से राहुल बना सकते हैं और यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपना नाम भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग बैक आ सकते हैं, और ये हमने जो है नाम चेंज कर दिया। और दूसरा जो ऑप्शन आपको मिल जाता है कि चेस खेलने का, चेस कैसे खेल सकते हैं इनके साथ, आपको लिखना है यहाँ पर @FBChess और स्पेस देना है और लिखना है आपको प्ले, और ये देखिए ये जो है आपकी चेस आ गई है, ये देखिए चेस आ गई है, इसका आप लोग खेल सकते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि कैसे खेलना है और इसके बारे में समझना चाहते हैं कि ये कैसे प्ले होती है, तो आपको लिखना है @FBChess और स्पेस देना है और हेल्प लिखना है और सेंड कर देना है। और ये देखिए आपको जो है डिटेल सारी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको ये है खेलना है, इस तरीके से आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऊपर देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको आई का, तो आप यहाँ क्लिक करें, और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग मैसेज जो करें
पर्सनल मैसेज सिक्योर रहें जो बिल्कुल, और जो करते ही 5 सेकंड में डिलीट हो जाएं, किसी को पता ही ना चले, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे निक नेम के नीचे सीक्रेट कॉन्फ़िगरेशन जो है, कॉन्फ़िगरेशन को आप लोग ऑन करें। आप ओके करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, और यहाँ पर आप लोग नीचे देखेंगे मैसेज के साइड में आपको घड़ी नज़र आएगी एक, ये घड़ी पर आपको क्लिक करना है, और इसमें से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं आप कितने देर में मैसेज को जो है डिलीट करना चाहते हैं। ये देखिए आप लोग चाहें तो एक दिन तक भी बात जो भी मैसेज करके आप लोग एक दिन बाद डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 5 सेकंड तक का डिलीट करके दिखा देता हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए हम लोग 5 सेकंड कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको हाई लिख देते हैं, और हाई लिखने के बाद देखिए ये जो गिनती है अपनी ऑटोमेटिकली नेगेटिव में जाती है, और ये देखिए मैसेज जो है ये डिलीट हो जाता है। तो ये मैसेज जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये पर्सनल चैट आप लोग कर सकते हैं, जिससे अगर आप लोग करना चाहते हैं जिससे कि कोई आपका मैसेज जो है बाद में देखता भी है तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी से पर्सनल चैट कर रहे हैं और आपको कोई और फ्रेंड आपको परेशान कर रहा है तो क्या करें, तो इसके लिए आपको करना क्या है, उनके इनबॉक्स में जाना है और आई पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन, और आप लोग चाहें तो इनको साइलेंट पे कर सकते हैं। देखिए कि अगर आप लोग चाहते हैं 24 घंटे तक ये साइलेंट पे रहे, इनका जो भी मैसेज है हमें बार बार नोटिफिकेशन ना मिले, तो आप लोग इनको साइलेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया है, आप लोग इनको साइलेंट कर सकते हैं। आपको मिल जाता है लोकेशन का, तो अगर आप लोग साइड में देखेंगे लाइक के ऊपर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको लोकेशन का नज़र आता है। यहाँ देखिए लोकेशन का आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर लोकेशन पर आप क्लिक करें और एग्जैक्ट जो का लोकेशन है वो यहाँ से आप लोग इनको सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग इनको सेंड कर सकते हैं इस तरीके से, और ये बाद में जब ऑनलाइन आएंगे तो आपको ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आप और मिल जाता है आपको यहाँ पर गेम खेलने का फीचर, जो कि आप लोग मैसेंजर पर बोर हो रहे हैं और कोई ऑनलाइन नहीं है तो भी आप लोग मैसेंजर पर गेम खेल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गेम कैसे खेलने हैं आपको, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप लोग गेम खेल सकते हैं। तो आप इनके इनबॉक्स में आएंगे, और यहाँ पर इनबॉक्स पर आने के बाद इमोजी देखेंगे आप, यहाँ पर इमोजी पर आप लोग सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आप फुटबॉल देखेंगे तो आप इनको फुटबॉल को सेलेक्ट करें, ये आपने फुटबॉल ले लिया और इनको सेंड कर दीजिए। सेंड करने के बाद आपको यहाँ पर डबल टैप करना है, डबल टैप करने के बाद आपकी जो गेम है ओपन हो जाती है कुछ इस तरीके से, और आप ये देखिए, और आप इन्हें खेल सकते हैं। और इसके बाद एक और गेम मिल जाती है आपको वॉलीबॉल टाइप की, तो आप इन्हें फिर से सेंड करिए, और सेंड होने के बाद आप लोग डबल टैप करें और ये गेम जो है आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये जो है आप लोग इस तरीके से खेल सकते हैं इस मैसेंजर के ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए फिर हम लोग, तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जहां मैं आपके लिए ऐसी ही यूज़फुल ट्रिक जो है लेकर आता रहता हूं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।